हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, मेरे बर्थडे की पार्टी का सेलिब्रेशन हो रहा है। यहाँ पर मैं और मेरी बहू का हो रहा है फनी डांस, क्योंकि हमारे घर के जस्ट बगल में जो है बारात आई हुई थी, वहाँ बज रहा था बैंड बाजा बज रहा था। तो हम दोनों हो गए थे अंदर ही शुरू। ये देखिए दोनों लोगों की मस्ती, हंसी मजाक, और बहुत मज़ा आ रहा था। ज़्यादा कोई नहीं था, बस हम हो गए, हमारा परिवार और मम्मी का परिवार था और कोई नहीं था। ये दो बच्चे हैं छोटे, इनको भी बुला रही थी मैं, आओ आओ डांस करो करके। ये देखिए यहाँ पर हो रहा है हमारा मस्ती मजाक वाला डांस। इसको रियल डांस मत समझिएगा आप लोग, बस ऐसे ही हम इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि और तो कोई था नहीं, तो हम ही लोग थे। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो सूट मैंने पहना है ये मुझे टाइट होने लग गया था, और अब देखिए कितना अच्छा आ रहा है। और जब इस तरीके से अपने फेंके, मतलब जो कपड़े हम नहीं पहन रहे हैं उनको हम साइड कर देते हैं, मतलब फेंक ही देते हैं समझ लो, वो जब आने लग जाते हैं पहनने के लिए शरीर में, तो कितनी खुशी होती है और मन करता है कि हम और करें ऐसा ही कुछ है, एक्सरसाइज वगैरह। तो ये देखिए, ये भी जो सूट है ये भी मैंने जो है साइड कर दिया था, नया सूट है, और ये टाइट हो रहा था हाथों बाजू से भी, और जो है वेस्ट साइज में भी, और पेट में बेली साइड में भी फैट हो गया था, तो वो टाइट होने लग गया था। अब देखिए कितना अच्छा हो रहा है। और यहाँ पर हो रही है मेरी और मेरे भतीजे की मस्ती वाला डांस। यहाँ पर मटर पनीर बनाया है हमने, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था क्योंकि हम बस 7-8 लोग ही थे। ये डब्बा मिल गया किचन में, हम इसी से शुरू हो गए हम दोनों जने। और यहाँ पर जो है बच्चों ने बलून लगा दिए थे, इस तरीके से डेकोरेट कर दिया है, जैसा उनको समझ में आया वैसा उन्होंने कर दिया था, बहुत अच्छा करा था। छोटे बच्चे हैं और उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया था। ये देखिए इस तरीके से बलून लगा करके जो है उन्होंने डेकोरेट कर दिया था। ये दो भतीजे हैं मेरे, और वो बहू वहाँ पर आटा गूंद रही है, और हमारा बस वही डांस चल रहा है। ये देखिए बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने भी, ज़्यादा कोई लोग थे नहीं तो हमने इसी तरीके से इंजॉय किया। उसको भी बोल रही थी मैं डांस कर करके, वो भी कर रहा था। और यहाँ पर जो है बलून से इस तरीके से बनाया है बच्चों ने, ये दो भतीजे हैं उन्होंने और दो मेरे बच्चे, चार बच्चे थे, तो उन्होंने इस तरीके से डेकोरेट कर दिया था। यहाँ पर बैठे हुए हैं हस्बैंड और यहाँ मम्मी बैठी हुई है। ये मैं आ गई हूँ केक काटने के लिए तैयार होकर के, और काटेंगे अब हम केक। बच्चों ने बहुत अच्छा बनाया था। यहाँ पर बहू है और भतीजा है, जो सामान पड़ा था उसको भी मैं साइड कर देती हूँ। और यहाँ पर जो है हमारे फैमिली के और भी मेम्बर हैं, ये देखिए छोटे छोटे से मेम्बर। और यहाँ पर बेटी आ गई है, ये जलाएगी यहाँ पर कैंडल, केक जो है। ये देखिए इस तरीके से केक हमारा कट गया है, और यहाँ पर मैं खिला रही हूँ हस्बैंड को। ये देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर खिला लेती हूँ। और वीडियो भी ऐसी बनाई है बच्चों ने बनाई है, तो कोई कैसी बनी है कोई कैसी बनी है, तो ये तो इन्होंने इस तरीके से बनाई थी, ऐसी एडिट कर करके जो है मैंने यहाँ पर। फ़ोटो शूट भी चल रहा है, फ़ोटो भी खींच रहे हैं, और जो है वीडियो भी हमारी बनती जा रही है। तो ये भतीजा आ गया है, ये दूसरा भतीजा आ गया है मेरा, ये देखिए। और ये भी मुझे केक खिला रहे हैं यहाँ पर। और केक खाने के बाद उसके बाद फिर मम्मी आई, फिर जो है बहू। इस तरीके से हम लोगों ने जो है छोटा सा सेलिब्रेशन किया, अपने घर ही में बर्थडे को सेलिब्रेट किया। और ये आया पीछे से, इसने मेरे मुंह में सब लगा दिया था, और पूरा मुंह मेरा केक से भर दिया था। छोटे बच्चे हैं, कर ही देते हैं मस्ती मजाक, कोई बात नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर मैं बोल रही हूँ, मुंह धो के आती हूँ, हम दोनों का फिर से यहाँ पर हो गया डांस शुरू। ये देखिए खूब इंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए मैं भी वैसे दोनों की मस्ती मजाक फनी डांस का कंप्लीट होते हुए हमारा बारात में जो हम वहाँ नहीं नाचे तो अपने घर में ही नाच गए। यहाँ पर सब लोगों ने मुझे आकर केक खिलाया। ये मेरा बेटा है, ये मेरे दो भतीजे हैं, और ये है मेरे हस्बैंड, मुझे गिफ्ट भी मिले।